सऊदी अरब का जिक्र होते ही जहन में सबसे पहले इस्लामिक आर्किटेक्चर का आधुनिक रूप घूमने लगता है। इसके बाद कोई कल्पना होती है तो उसमें इस्लाम के अनुयायियों के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र की होती है। लेकिन मिडिल ईस्ट का यह देश सिर्फ इतनी ही खासियत समेटे नहीं बैठा है, बल्कि इस देश में कई सभ्यताओं की खोज भी हुई है। ऐसी एक खोज ने इस बार पूरी दुनिया को चौंका दिया है, साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र के विस्तार की एक नई रेखा भी खींच दी है। क्या है ये खोज, देखिए इस रिपोर्ट। पत्थरों से बना मंदिर, वेदी और मानव बस्ती के अवशेष, पुरातत्व के लिए एक ऐसा खजाना जो भारतीय उपमहाद्वीप के विस्तार की पहेली बन गया। ना हिंदुस्तान, ना चीन, ना बर्मा, ना बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो दिख रहा है वो अचंभित कर देने वाला नजारा है सऊदी अरब का। जी हाँ, वही सऊदी अरब जो विश्व में न सिर्फ इस्लाम का केंद्र है बल्कि इसी जगह को आधुनिक इस्लामिक आर्किटेक्चर का जनक कहा जाता है। अब अगर आपको हैरानी हो रही है कि मध्य पूर्व के इस देश में मंदिर है, तो यकीनन इस मंदिर से जुड़ी जानकारी सुनकर आपकी हैरानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल सऊदी अरब के मंदिर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे में 8000 साल पुराना बताया गया है। इस मंदिर के साथ अलग अलग जगहों पर इंसानों की बस्तियों के अवशेष भी हैं। इसके अलावा अलग अलग काल की 2807 कब्रें भी पाई गई हैं। वही शिलालेख और भित्ति चित्रों के जरिए एक शख्स की कहानी भी बताई गई है, यानी सऊदी अरब में 8000 साल पुरानी सभ्यता का पता चला है। है ना हैरान करने वाली जानकारी। सऊदी अरब में इस समय जहां एक बड़ा रेगिस्तान है, वहां न सिर्फ हिंदू मंदिर और वेदी मिलते हैं बल्कि 8000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष भी मिलते हैं। यानी तय है कि करीब 8000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप का विस्तार आज के मध्य पूर्व तक था। इसमें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक खुलासा और भी महत्वपूर्ण है। 8000 साल पुरानी सभ्यता का पता अल्फाओ में चला है और अल्फाओ कभी किंडा राज्य की राजधानी भी रहा है, इसलिए सऊदी हेरिटेज कमीशन ने इस क्षेत्र का सर्वे भी कराया था और अब इस सर्वे में नवपाषाण काल की मानव सभ्यता का खुलासा हुआ है। हालांकि इस 8000 साल पुरानी सभ्यता को देखकर कई संदेह जन्म लेते हैं। यहाँ जटिल सिंचाई व्यवस्था में मानव जीवन कैसे संभव है? नहरें, पानी के कुंड और गड्ढे सब हैं, लेकिन रेगिस्तान में पानी बचा पाना आसान नहीं था। तो क्या वो नवपाषाण काल की सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित थी या कोई ऐसी तकनीक उस समय मौजूद थी जो मौजूदा मानव सभ्यता तक नहीं पहुँच सकी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।